नमस्ते फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ टोमेटो सूप। सर्दियों का मौसम है तो टोमेटो सूप का मज़ा ही अलग होगा। और ये टोमेटो सूप मैंने बिना अनियन और गार्लिक के बनाया है, तो जैन लोग, स्वामी नारायण लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सूप में मैंने 7-8 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं और एक एप्पल लिया है और छोटा सा लौकी का टुकड़ा लिया है। सबको हम ऐसे मोटा मोटा काट लेंगे और फिर हम एक कुकर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे और इस ऑलिव ऑयल में सारी सब्जियां हम थोड़ी सी सौते कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची डाली हैं फॉर फ्लेवर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सूप में। थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर, उसके बाद हम अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे। और एप्पल से क्या, इसमें एक फ्रूटी फ्लेवर आएगा, मिठास आएगी, लौकी से कंसिस्टेंसी अच्छी आएगी और टमेटो सूप रेड रहे तो उसके लिए टमाटर हमको थोड़े ज़्यादा डालने हैं अपने सूप में। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सारे मसाले जो भी मैं डाल रही हूँ थोड़ा कम डालना है। और हमने इम्यूनिटी के लिए और एक इक्वल कलर के लिए इसमें हल्दी डाल दी है और रेड चिल्ली पाउडर डाला है। रेड चिल्ली पाउडर का टेस्ट भी टमेटो सूप में अच्छा लगता है, बट सब चीज़ें कम डालें, मसाले कम डालें, सूप में मसाले कम अच्छे लगेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है ताकि हम इसको अच्छे से कुक कर सके प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम 2 सीटियाँ लगाएंगे। तो ड्राई जिंजर पाउडर भी मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो फ्रेश जिंजर भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटियाँ इसमें लगा देंगे। इधर हम सूप के साथ सर्व करने के लिए ब्रेड क्रूटॉन्स तैयार कर रहे हैं। तो ब्रेड क्रूटॉन्स तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ये इटालियन ब्रेड लोफ लिया है, आप सिंपल ब्रेड भी ले सकते हैं। और इस पे थोड़ा सा बटर लगा के स्लो गैस पे, तवे पे हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रूटॉन्स बनाने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ 2 सीटी आ गई कुकर में और कुकर मैंने रिलीज़ नहीं किया। और उसके बाद इसको ओपन करके सबसे पहले हम 2 बड़ी इलायची जो हमने डाली थी वो निकाल ली है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाए। तो इसको निकाल लेंगे पीसने के पहले। अब ये हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल देंगे और इसको पीस देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बड़े बड़े टुकड़ों को ही पीसा है, जो इसके अंदर लिक्विड पानी है वो मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि अगर हम सारा पीसेंगे तो इसका कलर बहुत ही लाइट हो जाएगा, जैसे कोई ग्रेवी का कलर होता है, पर टोमेटो सूप का कलर हमको डार्क चाहिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी जैसा टमाटर का सूप बचा के रख लिया है। और इसको स्ट्रेन करने के बाद देखिए इसमें कितना कम वेस्टेज हुआ है। इस तरीके से हम करेंगे। अब मैं इसके अंदर ये पानी वाला जो टमेटो सूप है वो भी स्ट्रेन कर लूंगी। इस तरीके से कर देंगे हम, तो इसमें हमारा सूप का कलर बहुत अच्छा आएगा। पानी का अगर हम ऐड करेंगे बाद में तो थोड़ा सा फ्लेवर कम हो जाता है। तो इस तरह हमारा क्रूटॉन्स भी तैयार हो गए हैं। अब मैं इस सूप को एक और बार बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। इस टाइम पे आप चेक कर लीजिए कि इसमें कुछ नमक और कोई मसाले कम है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा नमक कम लगा तो नमक ऐड कर दिया है और ब्लैक पेपर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सूप में ब्लैक पेपर पाउडर बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा ये देसी टमाटर सूप ऑलमोस्ट तैयार है। और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर डालने के लिए मैंने पिसा हुआ जो मिंट पाउडर है, जैसे पत्तियां होती हैं मिंट की,
उसको धूप में सुखा के या माइक्रोवेव में सुखा के उसका पाउडर बना के रखा है, उसको ऐड कर देंगे। वैसे तो इटालियन सूप में बेसिल डलता है, पर ये हमारा देसी सूप है तो हमने इसके अंदर मिंट डाला है। इस टमेटो सूप के साथ सर्व करने के लिए मैंने ब्रेड क्रूटॉन्स बनाए हैं और मैंने एक बहुत झटपट आसान सा पनीर टिक्का भी बनाया है। तो उस वो पनीर टिक्का भी बिना अनियन और गार्लिक के बनाया है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ चेक दैट वीडियो ऑल्सो। अगर आपको मेरी ये टमेटो सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।